नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा पेज लेआउट है एक्सेल के अंदर, उसके अंदर हमने पिछले टॉपिक में किया पेज सेटअप। अब हम बात करेंगे स्केल टू फिट का जो मेन्यू है, ये विड्थ, हाइट और स्केल, इसका क्या मतलब है और हम जो यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पे काफी चीजें दी गई है, यहाँ पे पेज वगैरह। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ आप इनके बारे में जाने कि ये है क्या चीज। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आपको एक जो लाइन दिख रही है, देखो ये, ठीक है, ब्लैक डॉटेड लाइन, ये जो लाइन है ये दिख रही है, ये क्या है। जैसे हमने पेज का साइज ले रखा लैंडस्केप, तो ये जो लाइन है हमारा फर्स्ट पेज इस लाइन तक प्रिंट होगा। ठीक है, और जो अगला जो पेज है वो अगले पेज पे होगा। ठीक है, अगर हम चाहें कि ये दोनों पेज एक ही विड्थ में, ठीक है, आ जाएं, तो उसके लिए हम विड्थ यूज करते हैं। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, प्रिंट पे चलते हैं, यहाँ से प्रिंट, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 कॉलम मेरे जो है इसके इस जो सीट के ऊपर है वो शो कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो टोटल कंप्लीट कॉलम है मेरे वो सारे इस सीट के ऊपर शो करें प्रिंट में, ठीक है, प्रिंट में छपके आए, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, वन पेज कर देता हूँ विड्थ। ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो मैंने वन पेज कर दी है। और अब देखिए यहाँ पे जाके देखते हैं प्रिंट में, देखिए जो जितने मेरे कॉलम थे सारे, पहले 6 आ रहे थे सिर्फ, अब टोटल के टोटल जो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं प्रिंट में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से प्रिंट कमांड जैसे ही दबाऊंगा, तो अगर आपका प्रिंटर ऑन है तो, और पेज लगा हुआ है, तो उसको प्रिंट कर देगा विड्थ में। अगर आप विड्थ को हटा देते हैं, ठीक है, विड्थ को आप कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो वो एज जैसे आपका पेज है, जितने साइज का आपका पेज है, तो उसी के हिसाब से वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। ठीक है, सॉरी, ऑटोमेटिक। और ठीक है, अब बात करते हैं हाइट, तो ये भी क्या करता है, ये भी अगर आपको हाइट एक ही पेज पे लेनी है, आप ले सकते हैं एक पेज पे, और यहाँ देखिए प्रिंट में हाइट, लेकिन हाइट में सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको कॉलम वाइज ही करें तो ही बेटर है, हाइट में करेंगे तो बिल्कुल छोटा कर देगा उसको, साइज को आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप इसको जो हाइट है उसकी ऑटोमेटिक ही रखें, अगर आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज की तो आप उसको कर सकते हैं पेज के हिसाब से। ठीक है, अब विड्थ को चेंज कर सकते हैं, आप विड्थ कर देंगे अगर एक पेज, तो विड्थ को एक पेज पे कर देगा वो। ठीक है, लेकिन हाइट क्या करते हैं, जो कंप्लीट डाटा आपका उसको मतलब दबा देती है, दबा के बिल्कुल छोटा कर देती है। ठीक है, अगर आपका एक पेज है तो आप हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पेज काफी ज्यादा है तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ इसको ऑटोमेटिक ही रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्केल टू फिट, अब मैं बताता हूँ ये क्या है, जो स्केल है ये 10%। अब ये क्या है, देखिए ये है, जैसे ही मैं कुछ भी प्रिंट करता हूँ, अभी नॉर्मल है हमारे पास, अभी मैं फाइल में जाके प्रिंट करता हूँ, सॉरी अभी नहीं हुआ, ओके, यहाँ से मैं कस्टम स्केलिंग कीजिए, नो स्केलिंग कर देता हूँ, तो देखिए नॉर्मल आ गया हमारा। ठीक है, यहां से भी हम स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिट और अब ये जो चीजें हैं, ये कब जो पेज लेआउट में ये क्या है। अब सो देखिए, अभी हमारे पास एक लाइन पेज लैंडस्केप है हमारा, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहां तक जो सब 2 मार्क्स वाले जो है कॉलम तक ले रहा, ठीक है, अब इस दिखा नहीं रहा, सॉरी। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम इस जो ये लाइन हमारी यहाँ पे देखिए शो हो गई लाइन, अगर मैं इसको यहाँ से कंप्लीट शो कर देता हूँ, इस लाइन को मैं चाहता हूँ कि जो ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये वाले, ठीक है, ये जो, ठीक है, ब्लैक सी लाइन है डॉटेड, इसको, ठीक है, मैं चाहता हूँ इधर उधर थोड़ा इस साइड या फिर थोड़ा उस साइड लेके जाना, ठीक है, जो यहाँ दिखा रही है उसको मैं यहाँ से हिला सकता हूँ, ये सॉरी, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेफ्ट या राइट में लेके जाना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मार्क्स और रिजल्ट एक ही पेज पे आए, तो मैं यहाँ तक इस जो ये लाइन हमारी डॉटेड, इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। अब देखिए जो है ये प्रिंट में आपका कंप्लीट पेज आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप बिना ऑटोमेटिक किए, वो सॉरी बिना जो पेज चेंज किए ऑटोमेटिक में रहकर भी, आप स्केल के थ्रू भी आप कंप्लीट पेज को इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। ठीक है दोस्तों।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.